सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लैन। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पर, और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज मैं जा रहा हूँ आप सभी को नेपाल का सबसे बढ़िया और सुंदर जगह दिखाने में, बाजार, जो प्रोविंस नंबर 5 में रहता है, मौजूद है। अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं सुंदरी पे बैठकर, देख सकते हो, और आप नज़ारा तो देख ही सकते हो कैसे कैसे लोग रहते हैं इधर पर। आज मैं भी कृष्ण जन्माष्टमी में थोड़ा कृष्ण जैसा दिख रहा हूँ, नहीं क्या? चलो अब मैं आपको रोड में मिलता हूँ, रोड का बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ कैसा होता है इधर का। चलो तो गाइज, हम हाईवे पर आ गए हैं, हाईवे तो बने, हाईवे पर आ गए, देख सकते हो हाईवे कितना अच्छा है। जैसे हमारे पीछे ट्रक आ रहा है, हमारे पास हॉर्न नहीं है, नहीं तो बजा देते, है ना, बहुत महंगा है। आप ये जो बोट देख रहे हो ना, ये बोट इधर का सबसे वायरल बोट है, और ये रास्ते पर हमारे के बंज कोई ही नहीं थे रे, हाँ महेंद्र राजमार्ग इसे कहते हैं, कौन ही नहीं था मुझे मालूम नहीं, अभी तो मैं हिल रहा हूँ, मेरा ही रास्ता है। गांधी जी ही थे, हाँ गांधी जी अपनी किरे छड़ी को यही पुर से टिक के आए थे, छड़ी किससे बनाए थे ना, जादू की छड़ी। स्टार्ट करो, और आप इधर फॉरेस्ट को देख सकते हो जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। इधर से फॉरेस्ट का अंदर जाने का रास्ता है, आप चाहो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बहुत सारा धूला है इधर, के भन्छ धुलो लगे भाई हिंदीमा, थाहा भएन धुलो नै भन्छ। आप लोग इस स्कूल को देख सकते, ये स्कूल नहीं कॉलेज है, ये कॉलेज यहाँ का ठीक ठाक ही कॉलेज है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं आया हूँ, इसीलिए कुछ नहीं बोलूँगा मैं। और ये कॉलेज चाहिए कौन सान पर ए गाथी कचड़ी त्याँ गए कचड़ी गए। और ये कॉलेज चाहिए, मैंने पढ़ा हुआ था, अब तो मैं हाई लेवल पर पहुँच गया हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, अगर दिखाई नहीं दिया तो सॉरी, मेरा कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे फ़ोन का गलती है। तो गाइस फाइनली हम आ गए, इधर बैठ के चटपट खाने वाले हैं, और अंकल हमारे लिए चटपट बना रहे हैं। अंकल अंकल हमारे लिए चटपट बना रहे, बहुत भूख लगी थी आते आते, इसीलिए घर बैठ के नहीं, भूख लगी थी, क्या करूँ, अभी बाज़ार में आके कुछ खाना पड़ेगा, ये और मैं और मेरे भाई मिलकर चटपट खाएंगे, आप लोगों को देना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगी, मैं ही खाऊंगा। और बाज़ार थोड़ी दूर है हमारे, इस हाईवे पार करके बाज़ार आ जाएगा, और अभी हम चटपट खाएंगे, चटपट भी बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो। हजुर वीडियो कॉल हो, चटपट आ गया है, चलो चटपट खा के आप लोगों को देखता हूँ। तो गाइज हम यहाँ अभी चटपट फिनिश कर लिया है, अंकल पैसा मेरे बिहा में दिला लाऊ ना, अभी हमने लो अंकल कहाँ को लो
ह्याप्पी दसैँ ए हजुरलाई त कहाँ आज त्यस्तो ल ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी ह्याप्पी बर्थडे भन्दा नि सुन्छ अभी हम जा रहे हैं चलो आप देख सकते हो बाजार वो रहा और ये हाईवे का धूला के अगड़ी हेर मेरे नहीं इतना ब्राइटनेस तो नहीं फैल रहा है लेकिन कोई बात नहीं इधर रहा वो बाजार है अंदर पूरी तरह आप सब को वहाँ रख देना अभी इधर हम अपने रानी को स्टैंड करेंगे सुंदरी को और बाजार के अंदर जाएंगे और इधर मैं हूँ बहुत ही क्यूट नज़ारा आ रहा हूँ इधर सामान है इधर मैं हूँ आज बाजार खाली खाली लग रहा है कोई बात नहीं देख सकते हो लोगों का भीड़ क्या बोलते भीड़े बोलते ऐ मेरा मोबाइल लेकर अब हम आलू लेने जाएंगे सीधा एक चीज मेरा फेवरेट जगह पे बैठते हैं बैठता हूँ मैं मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है आबो जी नहीं आ रहा है भाई मैं इधर आबो सुन आ गए थोड़ा थोड़ा आ गया आ रहा है आ रहा है चलो हो गए अभी अंकल आलू कसरी हो सही में 2.5 किलो दिन है अलग नसमाने के कस्तो ठ्याक्की नापेको र एउटा दाई भेटिन्न आलु राखिदियो भाइ एउटा साथीले किनार न्यू सब्सक्राइबर हजुर नाम वाइल्ड क्लैन ब्लग लाउनुहोस् अब क्या किन्न जाइन् खैले अभी हरा सब्जी किनेंगे थाके छैन सधै इतर किनेंगे टमाटर कसरी अंकल 70 रुपियाँ किलो कस्तो मजाको घटेको ल आज किलो हालिदिनु न आयो ल बनाइदियो त हेरेका यार काउली कसरी हो 150 हो गया थोड़ा ज्यादा हो गया कुछ नहीं हाम्रो त्यो मेरो सम्पत्ति अरे निकाल दिया अंकल टमाटर आधा 40 70 गर्दा 40 बजे दोजे जरूरत पे काम आएंगे है फिल्म को यहाँ आए खतर बहुत अच्छा दिख रहा है भाई सिनेमेटिक सीन तो चलो अब जाते हैं इधर से और सामान लेना है उधर से थोड़ा पैसा मिल जाएगा हाँ के लेने आए था यहाँ पर भाई मैं तो बहुत फेमस हो चुका हूँ अभी
चिन्ता नगर तेरो दाइ त्यतै धनी बाबु पनि तँलाई यहाँ मैले हैयाबुसामा चढाउँदिन तिन नि तँलाई स्टार्ट गरो क्या कुछ है क्या लग समझ नहीं आ रहा है भाई आप कमेंट कर दो ना क्या क्या लेना लाना चाहिए की लिए हमने काउंटर में लिखो है आई जाने त आन्टी का आउँछ होला लाख हुन्छ के सब्जी इधर सामान देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया मिलेगा भाई जो भी आना चाहता आ जाओ अब मैं आंटी को खोजने जा रहा हूँ वो आंटी के पास है पति छठी हो आधे किलो लाए दीदी नमस्ते खाई दिनु त पति आएछ अभी हम आंटी से सामान लेके आ गए आंटी ने मना कर दिया था मेरे वीडियो को मत बनाओ मेरे को थोड़ा लाज लगता है इसलिए ऐसे कहती थी और मैंने भी कर दिया दाजू भिंडी कसरी हो एक किलो पचास हो आधा किलो तीस एक किलो पचास ये अब ओसे छ यो त ओसे घाम कति छ दाइ भए नलानु आजको घामले भोलि बिहान रित्तै पारिदिन्छ भ्याइयो छ बाटो सब्जी नै भ्याइयो त अब अब अन्दर जाइङ्गे इधर सुज है सब ब्रांड का मिलेगा आप किन खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो मेरे लिए भी एक खरीद लेना अरे भैया मिल गए भैया जी नमस्ते सब्जी बोके हिड़ो आदित्य आदित्य सरी तिमी आउँदैछन् भोलि दाजु भोलि उता काठमाडौँ अब उस भन्नु लाग्यो क्या हामीले यसो सानो बिजनेस सानो सानो उसको बिजनेस हान्न लाग्यो कि त्यहीँ चोक्नु पाँच मिनटको थियौँ कस्तो चल्ला हजुरको साथ चाहिन्छ नि फेरि ल दाजु गएको त अहिले आज मैं आप सभी को बता दूं अब आज हमने नहीं आज नहीं थोड़ी देर थोड़ी दिन बाद हम अपना बिजनेस खोलने वाले हैं आप क्या खोल अंकल बोडी कसरी हो ये बाबू बोडी कस्तो ग्राफिक्स फालेको एक सौ चालीस रुपये किलो कति महँगो हो र नखानु मेरो बोडी खाने मासु खाने बरु बात सही है चलो अभी हम साग ले जाते अंकल साग कसरी हो यो मुठाको 20 जोडीको 30 मुठाको 20 जोडीको 30 यो लै पनि हुन्छ होला नि है अनि भिन्डी कस्तो छ र त्यहाँ त ओसेको थियो ग ए अलि अलि ठिक ठिक छ हजुर आधा किलो 20 आधा किलो 20 अङ्कल अङ्कल हो नि त अनि अरू त छैन त अरूले बेच्दैन त अरूले बेच्दैन त राम्रो अङ्कल आधा किलो भिन्डी हालिदिनु ल यहाँ इधर से अच्छा भिन्डी मिलेगा भाइ इधर आऊ जो कोही यदि नेपाल से बरगाड से हो यतै आऊ ल भिन्डी किन्न के छ दाजु सन्जी हुनुहुन्छ आयो हजुर भिन्डी यसो यस्तो गर न टक्क भात खाइसियो भनी हाल चलो भिन्डी लिएथे इधर से लु हो गया अभी साग कसरी भन्नुभयो अरे अङ्कल साग साग 30 रुपियाँ जोडा मुठाको 20 ए 30 रुपियाँ जोडा जोडीको 30 के सायद देख्ता हुँ
सागे सागे सागले सागे भन्छ हैन अ सागले अ सागको सागी के थिए सालको साग हो बाबु सालको साग हो हो बर्खामा मात्रै हुन्छ यसलाई त के चाइनी साग भन्दैन र तिम्रो घर अनि पर्दैन ओके केर्मुआ हो यो भयो कुद्रुम फेरि अलि बनाउन आउँदैन तर के गर्ने हो आन्टी राम्रो छ यो राम्रो छ बाउ अङ्कल यो आधा किलो हालौँ न हमन के भी थारू बोला जाने लगी थोड़ा थोड़ा कस्तो रहनु छ चलो ये भी हो गया अब और ये हो गया एक और मैं सोच रहा हूँ साग लेके जाऊँ या ना जाऊँ मिठो त हुन्छ दुई मुठा लगायो भने तितो हुन्छ एक मुठा लगायो भने महँगो हुन्छ चलो दो मुठे साग ले जा त अङ्कल यो दुईवटा दिनु दुईवटा साग दिनु होइन सत्तरी भयो नि भिन्डी आधा किलो बिस लुगा अस्सी रुपियाँ हो भाइ अस्सी रुपियाँ दुइटै राखिस् सत्तरी भएन इधर से तो चेन्ज मिल गया और 100 रुपये का अब क्या लेके जाऊँ चलो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा या हो गया देखता हूँ इधर कुछ है कि नया और नहीं यहाँ क्या जानिए इधर कपड़ा दुकान है अब चाहो तो ले सकते हो नहीं तो क्या लानी हो क्या लगू भाई समझ ही नहीं आ रहा चलो अब न्यूरो ले जाएंगे ऐसा सोच रहा हूँ दाजू यो सम्पत्ति हजुरको हो अब भन्नु त पर्यो बात त सही है हजुर यो यो सम्पत्ति के हजुरको हो कसरी कसरी लान्छु र 50 रुपियाँ जोडी भाइ एकका नै एकका नहीं नहीं दोनों का भाई मेरे को ये दोनों का 50 रुपये देखता हूँ कैसा है पूजा दीदी नमस्ते किरा किरी अङ्कल यो 50 रुपये भन्नु भयो न जोडी हेलो चलो इधर इसको लेके अपना क्या बोलते अपने फैमिली हजुर 50 तो नहीं है पचास तो नहीं छोटा आयो अगर 50 तो नहीं है मेरे पास बस बस यही है 50 नहीं है अङ्कल भिडियो गर्दा रिसाउनु त हुन्न यस्तै अङ्कल चाहिएको थियो क्या मलाई अङ्कलले अभि अभि बोला मैं आपका भिडियो बनाउँ त आप रिसाएँगे नै त्यस्तो पुछ हामीले नै जाम अङ्कल बोले नै मैं नै रिसाउँगा आफ्ना काम करते रहेन चाहिए यसै बोल्दै थिए पछि हाम्रा फ्यान वो दोनों हमारे फ्यान बहुत ही क्यूट है ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज नेपाल में नया परिणाम सुनो भयो चलो चलते इधर से बाय फ्रेंड्स अब क्या लेके जाओ धाय है रायपुटो जाम पछाडि हो तिम्रो बुढी कहाँबाट उठाइस् त अहिले चोर ये चोरको दिएको रिमेक बढी उठाकिने चोर भयो राईबाट जान है के खाने तैँले
वो खाएगा क्या बोलते हैं उसे, पानी पूरी जूस, पानी पूरी जूस, गन्ने का जूस खानी उस। अभी घर जाने का वक्त हो गया, सूरज ढल गया। क्यों ढल गया? मैं कृष्णा आप घर जा रहा हूँ ना, बात तो सही है। ए यो कुन खान्छु अङ्क दाजु, हेप्पी बर्थडे। आज हजुर कृष्ण होइन, ब्लग हो हजुर, चल्ला नि है, हिन्दीमा बोलेको, हिन्दी बोल्नु हुन्छ? हाम हिन्दीमै ब्लग बनाते, बहुत गाह्रो गाह्रो हुन्छ न अङ्कल। नमस्ते, ह्याप्पी बर्थडे। कसको बर्थडे आज? आज कृष्ण नि, आज कृष्ण जन्मदिन। हाँ, सभी मर्द लोग सभी कृष्ण है, इसलिए सबको ह्याप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। अच्छा, खाई खाई भैया, भैया सॉरी दाजू है ना, इधर आइसक्रीम है, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो, लेकिन ये चाहिए। कुन खाने हो? हान्नु पर्छ, सपोर्ट हान्नु पर्यो नि एकअर्कालाई, अनि सपोर्ट। अब के खानु, के खानु कृष्ण जन्माष्टमीको दिन? अब के खानु मन थियो? कुन गाने चाहियो अहिले भन्न। अगर आप मेरे को प्यार करते हो तो ये भैया का दाजू का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाम क्या है दाजू? मेरा नाम विनोद रसाइली। विनोद रसाइली ब्लॉग? हाँ, विनोद रसाइली ब्लॉग है। अगर आप मेरे को माया करते हो दिल से, तो विनोद रसाइली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए माया है, प्यार है। लास्ट आप देख सकते हो इधर, वो मेरी अभी अभी बनी न्यू सब्सक्राइबर है, आप चाहे तो उसे गिफ्ट दे सकते हो कुछ भी। आज जन्माष्टमी के दिन में आज हमारा देख सकते हो टीसा पानी का प्रोविंस नंबर 5 का ये बाजार है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। आप लोगों को ऊपर से दिखाना चाहता हूँ मैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं ना, इसीलिए यूएवी खरीदने का पैसे नहीं है। जब पैसे आएगा ना, मैं आप सबको इधर ऊपर से दिखाऊंगा। अंकल नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। मैं दिए हजूल पैसा एकदम लो रमाइल भैद नहीं बनाने हो, यो डेली बनाने भाई छाइन बनाऊ, डेली बनाऊ तो भाई हो, कता जाम कता जाम हो। मेरो अब तपाईँको त साथी रहेछ होइन, मेरो साथी नभएर के नबनाउने, म त यस्तै अब हिँड्दै जान्छु, अब एउटा केटालाई चाहिँ समातेर साथी भएर हिँड्छु। त्यो त झन् राम्रो हुन्छ, अनि नयाँ ठाउँमा नयाँ साथी पाउने त यस्तो गरिदिन्छ कि। हजुर साथी छैन, म पनि तपाईँदेखि नयाँ आएको हो, साथी छैन नि त खासै। मेरा तो दोस्त थे, लेकिन बहुत कमी नहीं आए, जब भी मैं बोलता हूँ ब्लॉग बनाने चलो 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 नहीं आता है। चलो अभी थोड़ी आइसक्रीम खा के घर निकल जाते, अबे शाम पड़ने वाली है, मतलब क्या बोलते साँझ होने वाली है, अब घर जाके थोड़ी शाम भन्छ, शाम होने वाली है ना, रात होने वाली है, अभी घर जाके थोड़ा काम करना पड़ेगा। अभी दाजू भाई, दाजू का आइसक्रीम पीने वाला है, इधर से चलते चलो चलो। अभी हम बाज़ार से अलविदा लेने वाले हैं, और आज का ब्लॉग ही यहीं ख़त्म हो जाएगा, मैं कल आपसे भेटूंगा। ये हमने बाज़ार कर लिया है, बहुत सारा है। चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं इन करता हूँ, और कल भेटेंगे उधर मेला में, मेरा कल मेला जाने वाले हैं हम, इससे बड़ा होगा और अच्छा होगा शायद। चलो